केमिकल्स जो हैं वो बहुत सी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में इस्तेमाल होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली केमिकल्स को मुज़र सेहत समझा जाता है, बट अब फूड ग्रेड केमिकल्स भी जो हैं पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो कि बहुत सी हमारी खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ AMI इंटरनेशनल्स के स्टॉल के ऊपर, एक ऐसी कंपनी जो कि फूड ग्रेड केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाकिस्तान में बना रही है। और फॉर्चुनेटली इनके मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम वहीद। अच्छा खुर्रम साहब, थोड़ा सा हमें अपनी कंपनी के हवाले से बताइएगा। जी जरूर। अभी तक तो जितने हम केमिकल्स देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के कोटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सारी जो आप कह लीजिए आइसक्रीम की और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि खाने पीने की अशिया बनाती हैं, उनको भी आप फूड ग्रेड केमिकल्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। हम लोग, हमारी कंपनी का नाम AM इंटरनेशनल है, हम लोग 18 साल से इस फील्ड में हैं, और वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेड फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस नॉन फूड आइटम्स के अंदर भी। अच्छा। तो एक हमारा जो पूरे का पूरा जो इसमें है वो पार्ट है कि नॉन फूड आइटम्स इसमें कॉस्मेटिक्स आ जाती हैं, आपके पेंट इंडस्ट्री आ जाती है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप नॉन फूड सिर्फ फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे जो है फ्रेग्रेंसेस हैं, इसमें फाइन फ्रेग्रेंसेस भी हमारे पास होती हैं, और ये टोटल मेड इन पाकिस्तान है, हमारी अपनी प्रोडक्शन है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे, एग्जैक्टली दूसरी साइड पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा मेन जो फोकस इसके अलावा होता है, सेकेंड हमारा पार्ट है, वो फूड आइटम्स के ऊपर है। इसमें आपकी बेकरीज, आपकी कन्फेक्शनरीज और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, आपके सारा टोटल जितना भी कैंडीज वगैरह सब चीज़ें, टोटल कैंडीज सब कुछ कन्फेक्शनरी उसके अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर जितना फ्लेवर इस्तेमाल होता है वो सारे का सारा हमारा फूड आइटम्स वो ये वाले सारे हैं। और ये भी आप पाकिस्तान में बना रहे हैं? एग्जैक्टली, ये सब कुछ टोटल मेड इन पाकिस्तान है, हम प्रोडक्शन हमारी अपनी है। जो नेचुरल चीज़ है ये मैं देख रहा हूँ उस पर लिखा बनाना, तो ये क्या बनाना से कोई एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, किस तरह है ये? इसमें दो तरीके के होते हैं, एक जो बिल्कुल ओरिजिनल जो है उस आइटम की ही फ्रेग्रेंस होती है, उसका ही टेस्ट होता है उसके अंदर, वो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी फ्लेवर को बेस बना के हम उसको फर्दर आगे जो है वो करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं, ये सिंथेटिक हैं, और हम सुबह से लेकर शाम तक फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस के अंदर बिल्कुल घिरे हुए हैं। साबुन से लेकर, सुबह आप उठते हैं साबुन से लेकर आप टॉयलेटरीज जितनी हैं आपकी सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, बाकी पैक्ड आइटम्स जितनी भी हैं आपकी ब्रेकफास्ट की आपकी आइटम्स होती हैं उसके अंदर सब के अंदर आपके फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं। जैम्स जो हैं, जैम्स, जेलीज, आपके जूसेस हैं, आपकी बेकरी की जितनी आइटम्स। अच्छा, बेकरी में यानी कि एक खास किस्म की खुशबू होती है वो आपकी प्रोडक्ट्स की होती है। एग्जैक्टली वो आप लोग सप्लाई करते हैं। जी जी बिल्कुल। सो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोग साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, दुबई में हम कर रहे हैं, इसके अलावा बांग्लादेश में और बाकी कई कंट्रीज से हमारी जो है इस टाइम बात चल रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब ये प्रोडक्ट्स जी बाहर भी मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ बाहर जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है। सो इस एग्जीबिशन में आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलती हैं।